त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा यानी बकरीद बुधवार को पूरे उल्लास के साथ मनाई गई। हल्की बारिश के बीच ईदगाहों और चुनिंदा मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की। बेनीगंज स्थित ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदा किया। नमाज में बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नमाज के बाद कुर्बानी के मसाइल यानी उसके नियम और सावधानियों व उसके मकसद पर मुस्लिम उलमा ने रोशनी डाली। महानगर के कई मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की भीड़ को देखते हुए 30 मिनट के अंतर पर दो बार नमाज अदा की गई है। नमाज के बाद लोगों ने कोरोना से मुक्ति, मुल्क की तरक्की और सुख शांति की दुआ मांगी। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों पर बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात किए गए थे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नमाजी आसिम जमाल और मोहम्मद हसन ने कहा, मैं
आसिम जमाल। ईद उल अज़हा की लोगों को मुबारकबाद। बहुत पुरखलूस और प्रशासन के सहयोग से ईद उल अज़हा बहुत सादगी और मुल्क के अमन व अमान के लिए मनाया गया है। मुल्क के कोरोना जल्दी से ख़त्म, उसके लिए दुआ भी की गई है। किस तरह से मुल्क में अमन व अमान बना रहे, इसके लिए दुआ की गई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज भी पढ़े हैं। मुल्क के हालात बेहतर हों, आपस में अमन व मोहब्बत रहे, इसकी पूरी कोशिश की गई है। मोहम्मद हसन असुरन गोरखपुर। आज ईद उल अज़हा की नमाज बेनीगंज मस्जिद में अदा की गई है और पूरे मुल्क में अमन व अमान की दुआ भी की गई है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस का एहतमाम करते हुए यहाँ नमाज अदा की गई और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, इसके लिए दुआ की गई। हमारे इमाम साहब ने पूरी दुनिया में अमन व अमान की हिफाजत की लिए दुआ की और तमाम बीमारी जो फैली हुई इसको ख़त्म करने के लिए दुआ की।